नेगोशिएशन होता है, हैगल होता है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो भाव तोल होता है, बस लाखों में। हाँ जी, शार्क टैंक इंडिया, इंस्टाग्राम पे मीमी मीम, ट्विटर पे चर्चे ही चर्चे, यूट्यूब पे वीडियोस ही वीडियोस बने जा रही हैं। ऐसा क्या है इसमें यार? बड़ी खोपड़ी वाले बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल्स इसके बारे में ये बोल रहे हैं। शार्क टैंक ना इंडिया का बेस्ट रियलिटी टीवी शो है, मजा आ गया। अरे यार भाई, लेकिन इसमें वो गुत्तम गुत्ती वाली बात नहीं, मुझे मजा नहीं आया। तू बिग बॉस ही देख। चलो शुरू करें। क्या है ये नई नवेली दुल्हन में कि लोग इसको या फिर धर्म की तरह पूज रहे हैं या फिर ओमिक्रोन की तरह इग्नोर मार रहे हैं। तो सबसे पहले तुम्हें और मुझे पता होना चाहिए कि आखिरकार शार्क टैंक के अंदर आपको देखने क्या मिलने वाला है। जैसे आप जब रोडीज देखते हो तो आपको पता रहता है आपको ये देखने मिलेगा। और तो और बच्चों को नहीं मारता। तो शार्क टैंक में क्या देखने मिलने वाला है? तो शार्क टैंक है एक इंडियन रियलिटी टीवी शो, डांस इंडिया डांस और रोडी स्प्लिट मिले जैसा नहीं, असलियत में रियलिटी टीवी शो जैसे होने चाहिए, रियलिटी। तो ये शो में होता क्या है? सिंपल है, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ, मैनेजर्स, फाउंडर, एंटरप्रेन्योर्स। देखो तुम मेरे को जज नहीं कर सकते, मेरी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दो। तो ये शो वाले इन व्यक्तियों को समेट के लेके आए हैं और बना दिया है इस शो का जज, जिनको बुलाया जाता है शार्क्स। तो ये लोग कंटेस्टेंट के आइडिया, प्रोजेक्ट, कंपनी के बारे में सुनते हैं, अगर इन्हें अच्छा लगता है तो उसको फंडिंग देते हैं जिससे वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके। और इस पैसे के बदले में इनसे क्या लेते हैं? वो लेते हैं इनकी गाड़ी। नहीं, वो लेते हैं इनसे इक्विटी। अब इक्विटी क्या होता है, यही पे आती है इनके शो की अच्छी बातें। ये मेरी तरफ से बोला जाए तो मैं लगाने वाला हूँ इनकी तारीफों के पुल। तो देखो, शो के अंदर बताए जाते हैं स्टार्टअप और स्टार्टअप से रिलेटेड चीजों के बारे में जानकारी। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू एजुकेट द मेन स्ट्रीम मीडिया अबाउट स्टार्टअप्स, जैसे कि तुम्हारे माँ बाप, दादा दाई, तुम खुद, क्योंकि ये शो OTT पे नहीं आ रहा है, ये टीवी पे भी चल रहा है। बढ़िया शो चल रहा होता है और एकदम से कोई भी शार्क कैमरे की तरफ देखता है और ज्ञान देने लगता है जो कि सच में काम का है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए और तुम्हारी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए। अब ये पूरी चीज होती कैसी है, इसको बोल के क्यों बताया जाए, दिखाते हैं। तो शार्क टैंक इंडिया के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे शार्क्स खड़ूस अंकल, शेयरफुल भैया, एक लड़की क्योंकि जबरदस्ती रखनी पड़ती है, और ये राण विजय। तो आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं सम्मोहित, संभोगित, संचालित। तो शार्क्स, आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई लड़की पसंद आई हो, आपने उसको अपने विचार व्यक्त करे हो और उसने आपको बोल दिया हो मुंह पे? आप, मैं और दुनिया के सारे लड़के कभी ना कभी इस चीज से गुजरे हैं। तो मैंने बनाई है ये सम्मोहित गोली, अगर आप ये गोली को लड़की को खिला देते हैं तो वो आपके प्यार के रंग में रंग जाएगी, आपके संभोग के संबंध में फंस जाएगी, आपके लेडी पार्ट्स के लिए तड़प जाएगी। और मुझे इस कंपनी को चलाने के लिए चाहिए 50 लाख, और इसके बदले में मैं आपको दूंगा अपनी कंपनी में 12% इक्विटी और ये तखत। तो देख, ऐसी बात है कि मेरे को तेरा आइडिया चूतिया लगा। अगर लड़कियों को सम्मोहित ही करना है तो मेरे पास पहले ही बहुत पैसा है, इसलिए इस वाली डील से आई एम आउट। तो मेरे को तेरी कंपनी में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे पास तेरे लिए काउंटर ऑफर है। मैं चाहता हूँ मुझे तेरी कंपनी, तेरी बीवी, तेरी बेटी, तेरी जायदाद, तेरा कुत्ता, सब कुछ चाहिए, ये पलंग तू रख सकता है और मैं आपको ऑफर देना चाहूंगी। तू क्यों बोले बीच में, जा घर पे जा, बर्तन वर्तन माँज। बड़ी ऑफर देने के लिए। तो आपने जो अभी देखा उसे कहते हैं मिसोजिनी, और जिस तरीके से मैंने करा उसे कहते हैं सार्केस्टिक। तो बीच में मैं आया हूँ राण विजय, आपको बताने के लिए कि दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय जिलाजीत, खुद भी लगाएं, दूसरों को भी लगवाएं। स्पॉन्सर्ड बाय, को-प्रेजेंटेड बाय, को-स्पॉन्सर्ड, टेक्नोलॉजी पार्टनर, पैसा देने वाला, पावर बंद करो हाथ जोड़। तो शार्क्स, मेरे पास आपके लिए एक काउंटर ऑफर है, आप मेरी जायदाद, मेरी कंपनी, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरा सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बदले में मेरा तखत दे सकते हैं? वैसे भी तखत तो मेरे को चाहिए भी नहीं था। ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया हूँ। तो तुमने IIT करा है और तुम्हें अपनी कंपनी के लिए स्पॉन्सरशिप भी मिल गई है, लेकिन मैं तुम्हें देता हूँ अपग्रेड का कोर्स, जाओ पढ़ो और पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होता, थोड़ी सिंपल भाषा में बता देता हूँ। लोग आते हैं अपने बिजनेस के बारे में शार्क्स को बताते हैं, शार्क्स उनके बिजनेस के बारे में और जानकारी एकत्रित करते हैं, लोग बताते हैं शार्क्स को अगर उनका बिजनेस पसंद आता है, उसके बाद लोग अपनी डिमांड बताते हैं कि उन्हें कितना पैसा चाहिए और उसके बदले में वो कितनी इक्विटी लेंगे। शार्क्स उसके ऊपर अपना ऑफर देते हैं जो कि हमेशा उससे कम होता है, कोई भी ऐसा नहीं बोलता हाँ, ए, डर, जय जय चाहिए मेरे को, ऐसा कोई नहीं करता। फिर नेगोशिएशन होता है,
हैगल होता है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो भाव तौल होता है, बस लाखों में। और अंत में कुछ लोगों को फंडिंग मिल जाती है और कुछ लोगों को मुंह पे लात पड़ जाती है। लेकिन इस सब में सबसे बुरी चीज पता क्या होती है, उनको बाहर जाके रनवे जैसे बात करनी पड़ती है। तो अब आपको समझ में आ गया शार्क टैंक आखिर है क्या। लेकिन ये कोई नई नवेली दुल्हन नहीं है, 2009 से शार्क टैंक यूएसए भी चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी चल रहा है, और ये दोनों भी ओरिजिनल नहीं लेके आए थे, जापान से उठाया हुआ कॉन्सेप्ट है ये। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको इस शो की बुराइयों के बारे में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का शाउट आउट जाता है करण एनिमेटर को, और आपको मिल सकता है मेरी अगली वीडियो में शाउट आउट अगर आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं। और जो बंदा नहीं देखना चाहता है शो उसको ये वीडियो भेजो, देख अच्छा है शो। तो ये तो हो गई शो के बारे में अच्छाइयां और ये काम कैसे करता है। अब अपन बात करने वाले हैं शो की बुराइयों के बारे में, जो कि ज्यादा नहीं है। देखो रियलिटी टीवी शो में उसका कॉम्पिटिशन ये सब है, ये रोडी स्पिट्स वाला, तो जो कुछ भी है मेरी तरफ से ठीक है, मेरे स्टैंडर्ड्स काफी लो है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये शो देखो, अपने घर वालों को दिखाओ, अपने दोस्तों को दिखाओ, और वो मना करे देखने से तो उसको बोल देना उसकी क्रश देख रही है, 2 मिनट में खत्म कर देगा। और नहीं माने तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये है एक कहानी, एक भद्दी कहानी। एंकर।